छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में एक की मौत हुई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। अंबिकापुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं तीन घायल बताया जा रहा है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। एक बाइक पर चार लोग सवार होकर जा रहे थे, कार ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ है। हादसे के बाद कार गड्ढे में गिर गई, जिससे कार ड्राइवर भी घायल हुआ है। देर रात SDM ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर के उदयपुर थाना क्षेत्र में यह घटना घटी, जब एक बाइक और कार के बीच ही भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। दरअसल बाइक में भी नियम के विरुद्ध चार लोग बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हैं। माफ कीजिएगा, दो गंभीर रूप से घायल हैं, एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं दो गंभीरों की का इलाज भी जारी है। वहीं कार ड्राइवर भी इसमें बुरी तरह से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद पास में एक गड्ढा था, जिसमें ये कार जाकर गिर गई, जिसकी वजह से कार ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। कार ड्राइवर भी घायल हुआ है, वहीं तीन और लोगों के घायल होने की भी सूचना है। लेकिन बाइक सवार एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। होली के दिन जिस तरह से ये खबर सामने आई, जिसके बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसे के बाद कार भी गड्ढे में गिर गई, जिससे कार ड्राइवर भी बुरी तरह से चोटिल हुआ है। तो अंबिकापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, कि एक ही बाइक में चार लोग सवार थे, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। कार भी काफी ज्यादा स्पीड में थी, बेकाबू रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर थाना क्षेत्र की घटना है, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि SDM ने ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब उन्हें जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर SDM पहुंचे और वहां से उन्होंने आज भर्ती कराया है। तो बेकाबू रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, अंबिकापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। और एक अपडेट इसमें सामने आ रहा है, दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जो अपडेट सामने आ रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, इस हादसे में अब मौत का आंकड़ा बढ़ा है, तीन लोगों की मौत हो गई है। एक बाइक पर चार लोग सवार थे, जिसकी भिड़ंत कार से हुई थी, एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, दो गंभीर रूप से घायल थे, वहीं एक घायल था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दो गंभीर हालत में जिन दो युवकों का इलाज जारी था, उन दो युवकों की भी इस घटना में मौत हो गई है। यानी अब इस हादसे में मौत का आंकड़ा तीन पर पहुंच गया है। दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक कार का ड्राइवर है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो चौथा व्यक्ति जो बाइक में सवार था, जो जानकारी सामने आई है, ओवर स्पीड कार थी, लेकिन इसके साथ ही बाइक में भी चार लोग सवार थे, जिसकी वजह से संभलने का मौका नहीं मिला। और भिड़ंत में एक युवक की, बाइक सवार एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दोनों तरफ से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया गया है, तेज रफ्तार में कार भी थी, वहीं बाइक में भी नियम के विरुद्ध चार लोग सवार थे, लेकिन दर्दनाक हादसा, क्योंकि आंकड़ा मौत का बढ़ चुका है, तीन लोगों की मौत हो चुकी है। निश्चित रूप से जो ये हादसा हुआ है वो भीषण हादसा है। सबसे पहले जो कार चालक है उसने बाइक सवार को टक्कर मारी, और बाइक में भी चार लोग सवार थे, ऐसे में एक युवक की घटना, जिसमें से उन्हें इसके लिए रायपुर रेफर किया गया था, लेकिन रायपुर पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया और दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों की भी मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये देर रात ये घटना हुई तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, तो अस्पताल में कोई भी चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी नहीं था। ऐसे में SDM जो उदयपुर है उन्होंने और पुलिस की टीम ने जो घायल लोग हैं उनके इलाज की व्यवस्था कराई और गंभीर युवकों को रेफर किया गया है। फिलहाल जो कार चालक है वो भी चोटिल है, उसे भी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इस घटना के बाद जो इलाके में एक तरह से मातम पसर गया है, और जो होली का एक तरह से जो उत्साह था उसमें कहीं ना कहीं खलल डला है। अभिषेक, अगर तत्काल इलाज की सुविधा मिल पाती तो ये दो जाने शायद बच सकते थे। निश्चित रूप से गंभीर जो इलाज की व्यवस्था सरगुजा संभाग भर लेनी है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, ट्रामा यूनिट की कमी है और चिकित्सकों भी की कमी है। यही कारण है कि जो गंभीर रूप से घायल मरीज होते हैं, सरगुजा संभाग से सभी घायल मरीजों को रायपुर और बिलासपुर रेफर करने की जो मजबूरी है वो झेलनी पड़ती है। निश्चित रूप से अगर ट्रामा की व्यवस्था होती, विशेषज्ञ चिकित्सक अगर सरगुजा जिले में मौजूद होते, तो जो घायल युवक है उन्हें सही समय पर इलाज मिल पाता और शायद उनकी मौत नहीं होती।
चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक हादसे ने कितनी सारी चीज़ें सामने ला दी हैं। एक तरफ ओवर स्पीड कार था, दूसरी तरफ चार लोग एक गाड़ी में सवार थे। ये टक्कर हुई, गलती किसकी है ये तो देखा ही जाएगा, लेकिन ये सोचिए कि एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से कैसे तीन घरों में मातम पसर गया है और तीन लोगों की जान चली गई है। और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे क्षेत्र में देखिए इलाज की, उच्च शिक्षा की, चिकित्सा की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रायपुर रेफर किया गया था। अगर वही चिकित्सा सुविधा उन्हें मिल जाती तो संभवतः दो युवक जिनकी मौत हुई है वो बचाए जा सकते थे। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई है, एक घायल बताया जा रहा है जिससे अस्पताल भर्ती कराया गया है। बाइक पर चार लोग सवार थे और हादसे के बाद गड्ढे में यह कार गिरी है। एसडीएम ने कहा है उदयपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो अंबिकापुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार ने एक बाइक को चपेट में ले लिया और इस हादसे में बाइक पर चार लोग सवार थे, उन चार में से तीन लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे के बाद बताया जा रहा है कि कार भी एक गड्ढे में गिर गई, लेकिन इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई है। बाइक पर चार लोग सवार थे, हादसे के बाद कार भी गड्ढे में जा गिरी जिसमें ड्राइवर भी घायल हुआ है। एसडीएम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उदयपुर थाना क्षेत्र का यह हादसा बताया जा रहा है जिसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो अंबिकापुर में कार और बाइक की टक्कर हुई, बताया जा रहा है कि अनियंत्रित स्पीड में कार थी, वहीं बाइक में भी नियम के विरुद्ध चार लोग सवार थे। बाइक और कार की इस टक्कर में तीन युवकों की मौत हुई है, वहीं एक घायल है, तो वहीं कार ड्राइवर के भी घायल होने की सूचना सामने आ रही है। टक्कर के बाद कार भी पलट गई, जिस गड्ढे में गिर गई, जिससे कि ड्राइवर भी घायल हुआ है। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, बाइक सवार एक युवक की, तो वहीं बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से दो लोगों को अस्पताल ले जाते वक्त जिन्होंने दम तोड़ दिया, वहीं एक घायल का इलाज जारी है।